हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी जस्ट मैं शावर लेके फ्री हुआ हूँ और बहुत ही अच्छी अच्छी खुशबू आ रही है। एक्चुअली आज मम्मी ने बना दिया है, क्या बना दिया वो देख के पता चलेगा। तो इधर बना दिए मम्मी ने चने और ये हलवा, क्योंकि आज है दुर्गा अष्टमी और आज करेंगे हम अपने घर में कंजक पूजन। और फिलहाल मम्मी गए हुए हैं कंजकों को लेने के लिए। और नहीं, मम्मी तो यहीं पे है, मैं तो अभी जस्ट बाहर निकला हूँ। मम्मी इधर बैठे हुए मंदिर में। मम्मी पूरी नहीं बनाई? ये पूरी नहीं बनाई हुँ? मैं फिर अकेली थी। अच्छा अच्छा, मैंने मुश्किल हो जानी थी, फिर दो बंदे चाहिए पूरियां बनाने वास्ते। तो मम्मी ने हलवा और चने ही बनाए हैं। और मम्मी ने किचन का काम किया और मैंने बाहर का सारा काम, मतलब बाहर के काम संभाली, मम्मी ने किचन के काम संभाल लिए। और हमारे पास आ चुका है ये कंज का नमन आ चुका है और इधर बैठ चुकी है हमारी सारी देवियां। मम्मी और भी आएंगी तो फिलहाल इनको मैंने बोला कि चुप करके बैठिए, क्योंकि मेरे को व्लॉग स्टार्ट करना था। तो अभी जस्ट मैंने व्लॉग स्टार्ट किया, अभी इनके पांव धुलवाने हैं। पांव तो मैंने अभी तक धुलवाए नहीं है। चलिए चलिए चलिए, बैठ जाओ, सब बैठ के आराम से, और हम खड़े हैं। दूसरे नवरात्रे है, पहले नवरात्रे है सिद्धार्थ के साथ, पहले नवरात्रे है दूसरे नवरात्रे है, साल हो दूसरे है ना, ये दूसरे नवरात्रे है हमारे सिद्धार्थ के साथ। हाँ मुंडन किए थे ना, मुंडन सेरेमनी नहीं की थी वो, क्या अनुप्रशासन अश्विन। अच्छा नवरात्रे जी, हाँ मुंडन सेरेमनी की थी अपन, माता दे गए थे ना। और बच्चों बोलो, जोर से बोलो, कुछ नहीं बोल रहे बच्चे, शांत है। मैंने तो आपको तब बोला था जब मैंने वीडियो नहीं बनाई, आप तो बोल सकते हो, जोर से बोलो। और बच्चे थोड़े से शर्मा रहे थे कैमरा के सामने बोलने में, तो मैंने बोला भाई बोलो आप, थोड़ा कॉन्फिडेंस तो लाओ अपने में। ऐसी बात नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं है, कॉन्फिडेंस से भरपूर है, लेकिन क्या हुआ कि उनको पता है कि ननू भैया कैमरा के सामने बात कर रहे कि शायद हमें नहीं बोलना, तो इसलिए नहीं बोल रहे थे। कुछ तुम तो बोलते हो बिल्कुल चुप भैया। चलो बच्चों स्टार्ट करो। अच्छा अच्छा, मैंने सोचा अच्छा अभी नहीं स्टार्ट करना, मैंने कहा स्टार्ट कर दो, फ्रूट्स तो अभी दिए ही नहीं। आवाज निकल जाती है जब भारी चीज उठाते हैं ऐसे झुक कर। ये वाली थाली मम्मी वो नहीं जो सिद्धार्थ के लिए ली थी ना, छोटी सी ये वाली है। तो आज माता रानी के शुभ काम के लिए काम आई। जोर से बोलो, सारे बोलो, बिंदु जी सुनिया, जय माता दी, साथ भी बोले, जय माता दी, मेरी मम्मी भी बोले, जय माता दी, दादा पापा भी बोले, जय माता दी, मम्मी भी बोले, जय माता दी, वो भी बोले, जय माता दी, सुदाप से सारे रिश्तेदार बोले, जय माता दी। हेलो बेटा, हेलो बेटा, हमारे गंज के सारे गंज के बैठ के खाना खा रहे हैं और इसके बाद हम भी अपना खाना स्टार्ट करेंगे। और बस अच्छा लगा। और नवरात्रों में ये नौ दिन होते हैं ना, तो आठवें दिन हम हमेशा गंज के करते हैं ना, हर साल नौवीं दिन नहीं करते हैं ना, साल में दो बार आ जाते हैं, नौवीं कर लो अष्टमी कर लो, मतलब शुरू तो ऐसी अष्टमी में बैठे तो फ्री हो जाते हैं और अच्छे से मनाते हैं हम नवरात्रे। नौ दिन आपने भी देखा कि मम्मी ना घर पे खेतरी वगैरह लगाते हैं और रामायण तो राखी लेते हैं, तो इस तरह से हमारे नवरात्रे निकलते हैं। तो कल का लास्ट है, वो अच्छा लगता है, एक रौनक सी रहती है 9 days में और अच्छा सा माहौल बना रहता है घर में और हमें बढ़िया लगता है। मम्मी मतलब बहुत, मतलब अभी तो बच्चे हैं ना जो थोड़े समझदार हो गए, नहीं तो क्या होता, बहुत शरारती होता था, बहुत शोर डालता होता था। तो अभी ये टाइम सिद्धार्थ का आने वाला है, धीरे धीरे जैसे बड़ा होता जाएगा वो सिद्धार्थ शरारती होता जाएगा, लाइक अनवित, जैसे अनवित शरारती हो चुका है अभी। चलिए फिर आना दोबारा, मैंने वो टेक दिया। आप किसकी बेटी हो, प्रेम की हैं? अच्छा पहली बार देखा मैंने, आप सूरज की, क्या बात है। ये मम्मी जब हमने अपना घर स्टार्ट किया था ना,
ये थी इससे छोटी बहन थी, इससे बड़ी बहन थी, इससे बड़ी। अच्छा अच्छा, सोनिया का मोनिका। अच्छा, इसके पापा ने हमारे घर का काम स्टार्ट किया था जिस घर में हम रहते, मतलब शुरू से पापा के टाइम में। तो इसकी भी एक छोटी बहन होती थी, तो वो यहाँ पे होती थी ऐसे, उसको मंजी के ऊपर बैठा रखना और दूध वगैरह दे देना उसको, बहुत छोटी होती थी। तो भी एकदम पहले कितने लोग थे, कितने बच्चे थे यहाँ पे, और एकदम से खाली हो गए। फिर मैं और मम्मी के लिए गए, अभी मम्मी है फिलहाल इधर गए कंजकों को, जो कंजके हमारे घर में नहीं है उनके घर प्रसाद देने के लिए। वो फिलहाल मैं भी जा रहा हूँ अपनी चाची जी के घर, क्योंकि अभी जस्ट फ़ोन आया था, उनको कुछ काम था, बहुत कम जाता हूँ मैं। हाँ मैं चाची को चला, हाँ प्रसाद दे दो, एक पन दो काज है, मैं खाँदा है, मैं बस 2 मिनट काम होना, उन्होंने फ़ोन आया सी। वो बाहर बहुत ज़्यादा धूप है, खड़ा होना मुश्किल हो रहा है, उससे सन्नाटा सा हो गया क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले बच्चे थे। अच्छा, ये तो ख़त्म हो गया हलवा, बस इतने का है। हैं चाची, कोई गल नहीं, मैं कर दूँ आलू प्रसाद लो। तो छतरी वधिया है वधिया छतरी है ना चाची, यहाँ पे काम कर रहे हैं शर्मा कुट दे, ये रही शर्मा और ये इनकी छतरी है। अच्छा अच्छा, गड्डी चाबी दो, फिर गाड़ी अंदर करनी होगी इनको, इस तरफ धूप है ना। और यहाँ पे गुलाब ही गुलाब बहुत है, बोलो आन दो आन दो आन दो, तदे पता लगना ना, कैमरा नहीं ना इस, उसकी नीड्स भी लग गया। गाड़ी हमने अच्छे से लगा दी परफेक्टली, और इधर जगह नहीं उतरने के लिए, यहाँ से निकलना पड़ेगा। हम ज़्यादा मोटे तो नहीं है, तो इजली कहीं पे भी एडजस्ट हो जाते हैं। ओए होए होए, ओ कैमरा बुरी तरह से गर्म हो गया, इतनी गर्मी है जिसकी वजह से दिक्कत आ रही, बस इतनी सी जगह में गाड़ी को मेरे को वापस करना पड़ा। तो अच्छे ड्राइवर बन चुके हैं, इजली गाड़ी को कहीं पे भी कर सकते हैं। तो थोड़ी सी गियर में दिक्कत आ रही थी मेरे को, नई गाड़ी है ना ये मारुति के मेरे पास, उसकी है अपनी वेन्यू हुंडई की, तो जिसकी वजह से गियर दोनों के डिफरेंट है, इसका रिवर्स गियर अलग तरह का है, उसका रिवर्स गियर अलग तरह का। तो ये रहा सिद्धार्थ का कार सीट, जो कि काफ़ी दिनों से बाहर ऐसे पड़ा हुआ था, और मैंने देखा डस्ट वगैरह पड़ रही थी, तो ये रही इसकी जगह, अच्छे सेट आ जाए। चलो अपनी जगह पे, मम्मी खा रहे हैं प्रसाद और मैंने अभी तक खाया नहीं, और बहुत ज़्यादा भूख लगी है। मैंने सोचा पहले बेडशीट वगैरह बिछा दो, क्योंकि मैंने उस रूम की ना बेडशीट अभी तक बिछाई नहीं थी, क्योंकि मेरे को वो जो सिद्धार्थ का कार सीट था वो सेट करना था। तो ये रहा हमारा प्रसाद। और ये पूरी कहाँ से आ गई, पूरी तो हमने बनाई नहीं, पूरी देगी। अच्छा अच्छा, पूरी किसी और के घर से आए थे। लेकिन ब्रेकफास्ट है हमारा हलवा पूरी चने बनाना, ये थोड़ा सा प्रसाद जब हम जो वाला जी गए थे वहाँ का प्रसाद है। गुड इवनिंग, तो अभी उठाऊँ तो वीडियो एडिट करता करता मेरे को ऐसी धमाकेदार नींद आई, तो मैं यहीं पे सो गया, वो वीडियो भी एडिट नहीं किया। तो अभी महकती सी खुशबू आई, मम्मी चाय बना रहे हैं, मैंने कहा अभी उठ जाओ। और मेरा ये वाला ब्लॉग ना कल का स्टार्ट है, कल अष्टमी थी तो आज नवमी है, तो आप सभी को राम नवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मम्मी क्या हालचाल, बढ़िया बढ़िया। और मैंने इतना ब्लॉग नहीं किया, नींद आई, नींद आ गई ना, मैं सो गया था दोपहर को ना आती, तो वीडियो एडिट कर रहा था, इतनी जबरदस्त नींद है, मैंने तो सो जाओ। एक ही नवमी, एक ही बैंगन, एक इतने बैंगन अजीब तरह, ये देखिए गाँव के देसी बैंगन। मैं नीचे बैठ के बढ़िया लग रहा, तो
तो चलिए फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हो, चाय वगैरह पी के हम फ्री हो चुके हैं और मम्मी अभी अपना काम कर रही हो। मैं अपना वीडियो एडिट कर रहा था, पहले एडिट करते करते एकदम से नींद आती सो गया, तुम आपके साथ जमकर नींद ली, तो भी सोचते कि इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हो और आगे कंटिन्यू करने का मन नहीं करते, नए ब्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं नए एक्साइटमेंट के साथ। तो तब तक के लिए आप सभी लोगों को बाय बाय, और आप इसको एंजॉय कीजिए, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को दोबारा से बाय बाय।